जानेंगे यस बैंक शेयर को लेकर। पूछिए हेलो। पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास मैंने 3-4 महीने पहले यस बैंक के 15,000 शेयर परचेज किए मैंने, 17 रुपए कुछ पैसे में। तो उसका लॉन्ग टर्म नजरिया जानना है मैम, आगे कैसा रहेगा उसका। यस बैंक का लॉन्ग टर्म नजरिया क्या देखते हैं आप सिद्धार्थ? देखिए मैं उतना ब्राइट नहीं देखता हूँ अमित जी, इसका लॉन्ग टर्म नजरिया हो सकता है कि 17 रुपए का 20 रुपए हो जाए, कुछ भी जा सकता है थोड़ा बहुत। बट अगर आपने जो खरीद रखा है वो लॉन्ग टर्म रखने लायक है तो मेरा आंसर नो है। आपको देखना चाहिए ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल हो, जैसे कि PSU की दिग्गज कंपनी SBI, इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म बेट कर सकते हैं, नतीजे दमदार आ रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। अगर बड़ी कंपनियों की प्राइवेट स्पेस में बात करें तो ICICI बैंक फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, ये मुझे मजबूत लग रहा है। HDFC बैंक जिसका अभी मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड के साथ, ये सबसे टॉप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था पिछले 6 महीने का, जो आप परफॉर्म कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये सारी कंपनियों पे आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, और येस बैंक पे अगर नजरिया रखना भी हो तो शॉर्ट टर्म रखें, थोड़ा उछाल आए निकल जाए। ओके, तो ये रही आपकी राय हमारे इन दर्शक के स्टॉक पर।